नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग विद लिवजीत में। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में जो हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया के रिलेटेड शेयर की थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विद सॉल्यूशंस। तो चलते हैं आज की वीडियो पे। तो स्टार्टिंग हमारी है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन। तो आज की जो प्रॉब्लम है, कंटिन्यू वीडियो में फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आएगा, जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। डायमीटर सिलेंडर का दिया हुआ है 24 मीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है वो 11 मीटर है। While the vertex of the cone is जो 16 meter above the ground है, find the area of canvas required from the tent। तो आपका जो है आज का हमारा, तो इस तरह से नीचे से cylindrical है और ऊपर से इसी के ऊपर cone बना हुआ है, तो tent कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें सिलेंडर का हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया कवर हो रहा है। तो आपका जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 मीटर, तो इम्प्लाइज दैट रेडियस कितना निकलेगा डायमीटर का, हाफ जो होता है आपका 12 मीटर। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जो ये वाली हाइट है आपको, वो 11 दी हुई है, वो दी हुई है 11 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, 2πRh। तो ये बन जाएगा 2 × 22/7 × 12 × 11। तो जो भी कटिंग पॉसिबल है कर सकते हो, फिलहाल यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हमने सभी को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब उसने बोला कि ग्राउंड से कोन तक की हाइट, टोटल जो हाइट थी वो 16 मीटर दी हुई है। तो यदि इतनी हाइट 11 है तो पीछे रिमेनिंग कितना बच जाएगा आपका, 5 मीटर। तो हम पहले कोन की हाइट निकालेंगे, तो हाइट ऑफ दी कोन, तो टोटल आपको 16 दी हुई है, सिलेंडर की 11 है, तो आपके पास रिमेनिंग कोन की जो हाइट है वो बच जाएगी 5। अब यदि जितना रेडियस सिलेंडर का उतना ही कोन का है, तो रेडियस कोन का भी आपका क्या आ जाएगा, 12 मीटर। तो पहले हमें ये पता है h, बट हमें l नहीं पता, तो हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप l निकाल सकते हो, तो फॉर्मूला बनेगा r² + h²। तो r कितना है, 12 का स्क्वायर, h कितना है, 5 का। तो ये आपके पास कैलकुलेशन आप सभी को वेल नोन होती है, तो ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। तो स्लैंट हाइट हमारे पास आ जाएगी 13 मीटर। फिर हम निकालेंगे, क्योंकि कोई भी जो कैनवस है या टेंट है वो कपड़े का बना होता है, तो उसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया आता है। तो सिमिलरली कर्व या लेटर सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकालेंगे, तो जो हमारे पास होता है पाई आर एल। तो पाई इज 22/7, आर 12 है, एल 13 है। तो अगेन इसका सभी का मल्टीप्लाई और ये बन गया। अब पूरे का एरिया निकालना है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, सम। तो आप दोनों का सम कर लो, डिवाइड बाय 7 + 3 = 4, 3 × 2 / 7। तो आप 7 LCM आप दोनों का कॉमन है, ऊपर आपकी टर्म ये रिपीट हो जाएगी इस तरह से। तो आपके पास जो सॉल्यूशन है 2 × 9 = 2 = 40 / 7। देन कटिंग पॉसिबल कर सकते हो, तो आपके पास इस तरह से आपका टोटल एरिया आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा सिलेंडर और कोन का कम्बिनेशन में एक जो टेंट बना हुआ है, उसका पूरा एरिया कितना आपको इस रेडियस पे इस हाइट के अकॉर्डिंग होगा, वो हमने आपको निकाल के बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो लेंथ ऑफ द गार्डन रोलर है, रोलर आप लोगों ने सभी देखे होंगे, तो उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर दी हुई है और डायमीटर आपको 1.4 मीटर दिया है। तो हमने बोला है कि यदि वो 10 रेवोल्यूशन लेता, मतलब 10 राउंड कंप्लीट करता है, तो वो कितना एरिया कवर करेगा। तो जो आपका क्या बोलते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि रोलर जो है वो इस तरह से आपका स्लीपिंग में कर दो, स्टैंडिंग में नहीं, इस तरह से रोलर होता है, क्योंकि ये चीज आपकी कवर होती है।
तो कर्व्ड सरफेस उसका जो आएगा, तो हम इसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें तो ये एक राउंड का निकलेगा। इस तरह के आपने कितने राउंड करने हैं, 10, तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। तो एरिया कवर्ड आपका बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आप रोलर भी लिख सकते हो क्योंकि रोलर और सिलेंडर दोनों सेम थिंग है, और इनटू आप जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ले रहे हो, राउंड ले रहे हो, उसके टर्न्स ले रहे हो, इस तरह से आप कर दो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πRh, अब कितने रेवोल्यूशन है यहाँ पे 10, 2 × 22/7, तो डायामीटर कितना दिया हुआ था 1.4 मीटर, तो आपका इम्प्लाइज दैट रेडियस होता है डायामीटर का हाफ, 1.4 / 2, तो ये 1.7 आपका बन जाएगा रेडियस। तो हमारा रेडियस आ गया 1.7, और एच कितना दिया हुआ है इसमें 2 मीटर, जो लेंथ है वो 2 मीटर दी हुई है, तो ऑलमोस्ट आपके सारी चीजें मीटर में है, तो कन्वर्जन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन ये आ गया आपका 10 कंप्लीट। तो ये 2 × 22/7, इस सैम्बल का डेसिमल नीचे कर लूँ तो ये 2 × 10, तो 10 के साथ 10, 7 के साथ 7, तो 488 मीटर स्क्वेयर टोटल एरिया आपका जो रोलर है, गार्डन रोलर है, वो 10 रेवोल्यूशन में कंप्लीट करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी कि द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर आर द रेशियो ऑफ 1:2। 2 स्फीयर हैं, दोनों के अलग अलग रेडियस दिए, उनकी रेशियो आपको 1:2 दी हुई है, तो कहता बताओ उनके सरफेस एरिया में क्या रेशियो होगी। तो सबसे पहले हम, जब भी आपकी रेशियो आती है तो इट मींस उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर होता ही है, तभी डिवाइड होके सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो बनती है। तो हम लेट कर लेते हैं द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर आर, तो 1:2 है ना, 1:2 है, तो मैं इस तरह से लिखूंगी आर, एंड दूसरी जो बन जाएगी वो बन जाएगी 2 आर, रेशियो के अकॉर्डिंग आएगी। ओके, नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πR², तो अब हमने दोनों स्फीयर का एरिया निकालना है, तो रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है, तो फर्स्ट का उसके अकॉर्डिंग क्या बने जाएगा 4πR², दूसरा 4πR की जगह क्या पुट कर दोगे 2R² तो इस तरह से 4πR² 4π 2R का कर दो तो 4R², 4π से 4π, R² से R² कट जाएगा, तो आपका बन जाएगा 1/4, तो फाइनली जो रेशियो आ रही है वो आ रही है 1:4, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 19404 cm³, वॉल्यूम है क्यूब में होगा, तो ये दोनों कंफर्म कर रहे हैं, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो आपको सरफेस एरिया निकालना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम से हमें आर निकलेगा, मतलब रेडियस निकलेगा, वो यदि रेडियस पता चल जाए तो सरफेस एरिया आप निकाल ही सकते हो। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ जो हेमिस्फीयर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2/3πR³, तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 19404, तो बन गया 2/3π की वैल्यू आप 22/7, आर हमें पता नहीं है, तो लेट भी हम कर सकते हैं यदि करना चाहो तो, रेडियस हमने आर ले लिया, आर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम सॉर्ट करेंगे, आर क्यूब एक तरफ है, 19404 × 3 × 7 ऊपर चला जाएगा, 2 × 22 नीचे, जो डिवाइड होती है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है, जो मल्टीप्लाई होती है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है, देन जो भी कटिंग पॉसिबल है आप कर सकते हो, तो उसके साथ आपका जो शॉर्ट होगा वो ये बनेगा, ठीक है। इस तरफ से आर क्यूब है, 9261 आपको सभी को पता है ये 21 का क्यूब होता है, तो इस तरह से इम्प्लाइज दैट आर की वैल्यू 21 cm आ जाएगी, ठीक है। जब आर पता चल जाता है तो सरफेस एरिया निकालना है और इजी हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, नॉट अ स्फीयर, हेमिस्फीयर है ये, तो वो होता है आपका 3πR, टोटल बोला उसने 3πR²
क्योंकि यदि वो कर्व्ड बोलेगा या लेटर बोलेगा तो वो टू होता है, तो ये थ्री आएगा। तो थ्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस अभी निकाला तो वो 21 का स्क्वायर इंटू 21 कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसकी सारी कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिसफेयर आ जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया रिलेटेड थी, जो हम प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आई होप आपके जो डाउट्स होंगे वो फुलफिल हो गए होंगे। तो अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू टू ऑल।